Assalamu alaikum family, hope you are all doing well. We are just one day away from Eid al-Adha. Spain mein abhi Eid ho rahi hai and unfortunately or fortunately I am not in Spain. This is my second time in my life celebrating Eid here in Pakistan. Look at this. Assalamu alaikum. Kya hal hai bhai jaan? Sahi ho? Meri wife ko pata nahi kya hota, darti hai. बकरों से डरती है. एंड इतनी सर गर्मी पर 44 डिग्रीज. वो जानवर की तबीयत ख़राब थी कुछ दिन पहले, क्योंकि उधर से ना रोटियां पड़ी ही थी, सूखी रोटी, तो वो खा के ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी. उसके 2-3 इंजेक्शन लगे थे. ये वाला मेरा बकरा नहीं है, मेरा ये वाला बकरा है. बहुत सहाना है घर का. एंड अलहम्दुलिल्लाह टू आर फ्रॉम माई वाइफ्स फैमिली. हाँ देर इज देखो ऐसे आपको तैरना नजर आ रही है. वैसे आपने ऑलरेडी ब्लॉग में देख लिया होगा जो डेली ब्लॉग कर रहा हूँ. जी गिफ्ट इंजॉय. अभी ना मेरा दिल था कि रोज़ा रखूँ, लेकिन मैं परसों गया था अपनी वाइफ के साथ बाय रोटी खाने एंड आइसक्रीम खा ली थी आइसलैंड की, तो बहुत बहुत बुरी थी. तो उसी रात सर मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया, तो अभी लूज मोशन लगी है. आई होप कि इसके लिए ठीक हो जाएंगे. यस स्टार्ट दिस व्लॉग. अस्सलामुअलैकुम चमनिकम भाई जान, की हाल है? हाँ फोन तेरे खाने वाला नहीं है. इतना फन फन करो. पूरे 10 दिन हो गए बकरे आए हैं. काउ को तो 11-12 दिन हो गए. ठीक है तो रंग लगी है सर बकरा जो ये वाला मेरे समान बोल. वेल माय वाइफ एंड आई वी आर गोइंग टू रामगढ़ बाजार. ओके फोर टू किस फादर लैस हो नहीं कर सकता क्योंकि मोबाइल बहुत सख्त गर्म है. जो गर्मी पड़ रही है ना इसमें से क्या कहना है, मनोर को ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, उनका दिल नहीं था है ना. उन्होंने रोज़ारा खाना तो बहुत वो ही. ये से ज्यादा रोंदा बड़ा भाई बहुत रोता है. ये बहुत जब से आया ना जब रोता रहता है. वो होता है ये तो इसको 10-11 दिन हो गए. ये कब आए थे? ये थर्सडे को आए थे, 2 वीक पहले थर्सडे को आए थे. बकरे जुम्मे की रात को आए थे. ये लास्ट डिनर. ये वाला बीमार था जिसको 4 इंजेक्शन लगे थे, अब इसकी तबीयत ठीक हो गई मास्टर. ये भी कार है. सी यू टुमारो, वी गोना हैव रेस्ट. वैसे सोने से पहले द बेस्ट मैंगोस इन द वर्ल्ड पर फ्रैंक हो गए. मैं वहाँ से साइकिल मुका रही है
और हम भी अभी मैंगो खाएं। मैंगो 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 क्यों माँ? अमेजिंग। मजदार बहुत ही मॉर्निंग हो गई, कुछ घंटे देखे बस। बकरों ने भी बकरों का भी दिन होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में वो भी ख़त्म होने लगे हैं। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ मिसेस डेरी। हमारी जमात तो लेट हो गई है, कितनी जगह पे हम कोशिश की है कि हम जाके पहुंच के नमाज़ पढ़ सकें, लेकिन इट वॉज टोटली लेट। कि जगह पे 6 बजे हो गई थी, 6:15 पे, 6:30 पे, 7 बजे कोई भी नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर पढ़ ली। या जस्ट अभी इनकी बारी है। मुझे कैसे देख रहा जो वाला मेरा क्या वो भी पता चल रहा है सारा कुछ बंद होना। कंजी पीने का दिल कर रहा था। हाँ गाड़ी है, जा रही है। किधर आपका इस गाली में भी ये मेरा लेट गया जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये सारा फोन वेरे को लंबा पाना इस वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 2009 में जब ऐसे किया था सामने वाले के घर, उनको दो लाते पड़ी थी, एक ही बंदे को दो दफा, तो वो लंबा पड़ गया था। लेट सी जब हमारी बारी आएगी क्या होता है। सभी नींदर आ रही है, इधर कॉफ़ी बनाई है, आइस कॉफ़ी, बहुत सारा नींदर आ रही है। और अभी वेरी की बारी आ रही है, अभी वेरी खाना खा रही है और उसकी बारी आ गई है। बेचारे के पेड़ में भी नहीं जानी, वो उसकी छुट्टी पड़ जानी।
देख सकते हैं हम पाकिस्तानी मुंडा हाँ दलेर मुंडा पक्का बड़ा दूर का रख लाते हाँ पक्का बड़ा दूर ओ इतने तक ही पहुंचा ऐसा ऐसे ही ना मैं भी पूछना क्या था उन्हें मैं और नहीं आया कितने आए बता दे आप क्यों आ रहे हो क्या बात चला गया वही चला गया काऊ चला गया काऊ चला गया काऊ दिस इज टोटली क्रेजी क्वाइट हैवी सर गर्मी पड़ रही है गाइस के 44 डिग्री है और बस पीने का दिल कर रहा है और कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है कलेजी खाई सुबह की और मैं अभी आइसक्रीम खा रहा हूँ सिकंज भी पी रहा हूँ बहुत दिल कर रहा था और बना दिए दूसरा कप पी रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पूरे पावे बन रहे हैं बड़े पावे बस हो गई तपस भी तपस पे अब हम मिनट मर गई था जरूरत नहीं थे हाँ कुर्बानी हो गई है अब बोटी वगैरह हो रही है या अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गली के जानवर हो गए हैं और उसे गली देखो पूरा खून हुई है अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं बहुत सारी गर्मी पड़ रही है पिछले टाइम के 3 बज गए हैं या आई नीड टू ट्राई टू स्लीप अ लिटल बिट क्योंकि मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ भूख भी बिल्कुल नहीं लगी लेकिन क्या करें मज़ा आया द बेस्ट थिंग इज जब जीत करके हम कुर्बानी करके लोगों को देते हैं ताकि वो भी कुछ कर सकें ये मीट खा सकें उनको भी दुआएं लगती हैं हमको भी दुआएं लगती हैं दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर आई होप के स्पेन जब पहुँचूगा ये वाला फ्लेवर आ गया हो बहुत मज़े की हम नानों के फ्रेश हो गए हैं और फिर दोबारा पसीना आने शुरू हो गया ये क्या बदतमीजी है यार इधर कितनी गर्मी है तो इधर मेरी वाइफ का फ़ोटोशूट हो रहा है जैसे आप देख रहे हो सस्ता नशा बहुत चलता कुछ कहना आपको
खाली खाली हो गई रात, कोई भी नहीं। मुझे अब वो फीलिंग आ रही होने की, मेरा भी रो नहीं आ रहा। इधर आओ पापा। Are you crying? No. Yes. सीना नहीं करा कुछ नहीं होता है बासा होता है यार, फीलिंग आती है। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन आमीन आपके लिए। आमीन। See you guys in the next vlog. I hope आपको इतना मज़ा आया जैसे मुझे मज़ा आया। It was very sad, very deeply, deeply sad. लेकिन अल्लाह के रास्ते पे उन्होंने sacrifice होना था और मुझे बहुत मज़ा आया। 2009 के बाद अभी 15 साल बाद मैंने ईद इधर मनाई है। It was really interesting. Totally different culture, totally different कह सकते हो people. But it was really worth it क्योंकि सारा कुछ घूम के देख रहा हूँ। और मज़ा आया सब कुछ सीखने को, सिखाने को, फूड देने को ख़ास तौर। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ ऐसी है जो कि कभी नहीं हटेगी, ख़त्म नहीं होगी, वो है मंगने मंगने मंगने। लाइक हम हमारे घर तकरीबन 3-4-5 लोग आए हैं दोबारा, लाइक एक ही हीट पे आए हैं गोश्त मांगने के लिए। और अच्छे भले लोग हैं जो घुमा के दे सकते हैं आपके फैमिली को, लेकिन उनकी मंगने की आदत कभी भी नहीं जाएगी। आई होप आप सबको ऐसे ना हो, मतलब जो भी चीज़ करनी हो मेहनत से करो। अल्लाह पाक आपको आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। सो मिलते हैं अगले लोग में, अपना ख्याल रखिएगा। ईशा का टाइम हो गया, ईशा पढ़े फोर्स हो जाए क्योंकि बहुत सारी नींद आई है। सी यू इन द नेक्स्ट लोग। अल्लाह हाफिज़।